नमस्ते दोस्तों। बचपन में जब हमारी कोई चीज या खिलौना खो जाता है तो उसे ढूंढते ढूंढते हमें कभी कभी कोई और भी खोया हुआ खिलौना मिल जाता है। वैसे ही जब हम बड़े हो जाते हैं तब कभी कभी ऐसे ही अचानक बड़े रहस्य खुल जाते हैं। तो ये रहस्य क्या है जिसे आज राजकुमार विक्रम सुलझाएंगे, उसके लिए आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि देखोगे तो जानोगे और जानोगे तो समझोगे ना। कुछ पता चला? दूर दूर तक पानी यूं ही शांत है। अजीब सी बात है, समंदर के पानी को कभी इतना शांत नहीं देखा, और ये भी तो काम नहीं कर रहा। यही वो जगह है जहाँ से सारे जहाज गायब हो रहे हैं, और यहाँ तक तो हम ठीक आए हैं, पर अब पता नहीं चल रहा कि हम हैं कहाँ। शायद हम सही जगह पर हैं। यहाँ दिशा यंत्र काम नहीं कर रहा है, इसलिए नाविक यहाँ से भटक जाते होंगे। लेकिन भटक कर जाते कहाँ होंगे? ऐसा कौन सा चक्रव्यूह है यहाँ? अरे अरे महाराज रुकिए, महाराज रुक जाइए। कहाँ जा रहे हैं महाराज आप? महाराज संभालिए वरना गिर जाएंगे। नोहा, ओहो, इस मायावी शक्ति को कैसे काबू में करूं? पता नहीं कौन सी अनजान शक्ति हमें उस किनारे तक खींच रही है। महाराज अब ठीक तो है ना? महाराज? हाँ मुंजा। ओह, मुझे क्या हो गया था? हम कौन से टापू पर पहुँचे हैं? महाराज पेट में चूहे कुश्ती खेल रहे हैं, तो क्यों ना हम जंगल में जाकर पहले भोजन का प्रबंध कर लें? हाँ चलो। यहाँ तो दूर दूर तक कोई जीव नजर ही नहीं आ रहा। अरे वो देखो, किसी जहाज का नाविक लगता है, शायद हमारी तरह ही भटक गया हो। भाई साहब सुनिए, ये मूर्ति तो बिल्कुल इंसान जैसी लग रही है मुंजा। जरूर कोई बड़ा मूर्तिकार इस टापू पर रहता है। महाराज उधर वो देखिए, आपको दिखाई दे रहा है? कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। ये मूर्तियाँ नहीं है, इंसान है जिन्हें जादू से इस तरह का बना दिया गया है। ओह, फिर तो हम जरूर मेड्यूसा के टापू पर हैं। मर गए। अब ये मेड्यूसा कौन है? मेड्यूसा बहुत बड़ी जादूगरनी है, उससे कोई नहीं जीत सकता क्योंकि कोई उससे लड़ ही नहीं सकता। ऐसी कौन सी शक्ति है मेड्यूसा में कि कोई उससे लड़ ही नहीं सकता? उसकी आंखों में जो कोई भी देखेगा वो पत्थर का हो जाएगा, और बिना उसकी ओर देखे कोई लड़ेगा कैसे भला? ओ, तो ये बात है। खैर, जो बड़े बड़े योद्धा नहीं कर पाते वो राजा विक्रम कर देते हैं। पर हाँ,
ये जरूर सुना है कि मेड्यूसा से पहले उसके सैनिकों से लड़ना पड़ता है। बचो नोआ, संभल कर नोआ। और वो तीर क्या क्या वही मेड्यूसा थी? हाँ, अगर एक बार भी हम उसकी आंखों में देख लेते तो पत्थर के बन जाते। लेकिन अब ये सोचो कि यहाँ से निकलेंगे कैसे। एक ही रास्ता है, संग्राम, मतलब लड़ना पड़ेगा। माना वो मायावी हैं, पर हम भी कुछ कम नहीं। लेकिन उससे लड़ेंगे कैसे, उसकी आंखों में तो देख नहीं सकते। नोआ सही कह रहा है मुंजा, बिना किसी योजना के मेड्यूसा से लड़ना बेवकूफी होगी, बहादुरी नहीं। पर ये भी तो सच है कि हम यहाँ ज्यादा देर छिप नहीं सकते। कहाँ छुप कर बैठे हो महावीर विक्रम? तुम्हारी बहादुरी के किस्से तो हमने बहुत सुने हैं, लेकिन देखने में तो कुछ और ही नजर आ रहा है। इन पूरी चट्टानों को चूर चूर करने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा विक्रम, तब तक क्या छुपे रहोगे इनमें? अब सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मैं अपनी आँखों पर पट्टी बांध लूँ तो मेड्यूसा का जादू मुझ पर चल नहीं पाएगा, है ना? चलेगा तो नहीं, पर आँखों पर पट्टी बांधकर लड़ोगे कैसे? महाराज, मेरे पास एक और उपाय है। मुझ पर मेड्यूसा की मायावी शक्तियाँ काम नहीं करेंगी, तो मैं एक मक्खी बनकर आपके साथ चलूँगा और आपको मेड्यूसा की हर चाल बताता रहूँगा। और नोहा, आप इस गुफा में ही रहिए। मुंजा, तुम ठीक कहते हो, शायद मेड्यूसा को हराने की यही एक योजना है। मैं तैयार हूँ और तुम भी तैयार हो जाओ अपने अंत के लिए। वाह, क्या तरीका ढूंढा है विक्रम तुमने, लेकिन अब लड़ोगे कैसे? नाक की सीट से आ रहा है तीर, वार करो अब। की जोड़ा है फेंका, तलवार को घुमाकर मारो छक्का। मुंजा, इस तरह तो हम केवल बच सकते हैं, उसे खत्म नहीं कर सकते। तो ठीक है, मैं इशारे से अगर समझाऊं तो क्या आप निशाना लगा लोगे? कोशिश करने के सिवा हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। दस भालों की ऊंचाई, 24 गज पर स्थाई, नाक की सीट पर है वो, निशाना साध लो। अच्छा, तो ये जीव विक्रम की मदद कर रहा है, अभी देखती हूँ मैं इसको। महाराज, एक और उपाय सूझा, मैं उसका ध्यान मेरी ओर केंद्रित करता हूँ, आप अपने चक्र का उपयोग कीजिए। पहले तुझे ही भस्म कर दूंगी मैं। महाराज, दाईं ओर हो जाइए।
विक्रम, मेजुसा का नाश करना कोई मामूली बात नहीं थी। तुम सचमुच बहुत शूरवीर हो। पर मुंजा की मदद के बिना यह मुमकिन नहीं हो पाता। आज की कहानी तो काफी रोमांचक थी, लेकिन बात सीधी सी है, मुश्किल से डरकर कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, बस यही मूल मंत्र है। तो दोस्तों, अब मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले रोमांचकारी सफर में।